सरकार के सच्चे उनके गुस्ताखों के चेहरे दुनिया जमाना पागल कहे तो सरकार कहते हैं छोड़ दिया तो तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले। वही उस्ताद ज़मान ने कहा ढूंढा ही करा सदर कयामत के सितारे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन छुपा अब तू छुपे ना चुंदा ना चुंदा का आते हैं आता है फकीरों के लिए प्यार कुछ भीख दे खुद करे भीख दे तुम्हारे लिए हमारा है वो तुम्हारा भी है। सुनो जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही उनका तुम्हारा हमारा नबी वजन नबी हमारा है आपका है। तो नबी के औसाफ और वस्फ हम बयान करेंगे नबी के गद्दार के चेहरे को हम बताएंगे पूरी जिंदगी एक पैगाम देंगे नबी के मुस्ताखों से दान हो जाओ नबी के वफादारों से मिल जाओ दुनिया में भी कामयाब हो आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह उस बंदे को बुलाएगा वो बंदा आएगा उसका नाम है अमर उसके हाथ में दिया जाएगा उसी के नाम है अमर उसी का नाम है अमर उसी के हाथ में दे दिया गया। अब जब नाम है अमर दे दिया गया मेरे मुस्तफा के इख्तियार देखो मेरे मुस्तफा का करम देखो मेरे मुस्तफा की आता देखो मुस्तफा के गुलामों को हम किस तरीके से माफ कर रहा है। फरमाते आला सरकार रज़ी अल्लाह तआला फरमाते नाम है अमर हक में दे दिया गया अभी नाम है अमर देने के बाद फरमाया देख और शुमार कर तेरे गुनाह कितने हैं। जब वो शुमार करने लगता है तो गुनाह तबाहे नहीं गुनाह सगाए को शुमार करता है गुनाह सगाए छोटे गुनाह को शुमार करने लगता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ऐ मेरे फरिश्ते इसकी हर गुनाह के बदले नेकी लिखना शुरू कर दे हर गुनाह के बदले नेकी लिखना शुरू कर दे। जब ये सारा मामला हुआ यानी गुनाह और उसके नेकियों से बदले जा रहे हैं आला सरकार फरमाते हैं सुनो ये गुनाह सगाए के सबब अभी बंदा कहेगा मौला ये तो गुनाह कबार नहीं है गुनाह सगाए है और ये तो बहुत सारे गुनाह है आप देख रहे ये सब क्यों है इस वजह से है कि गुनाह माफ हो नेकियां लिखी जाए तो आला हजरत से पूछो आला हजरत कहते नजर आएंगे दस था कि इसने की सजा अब होगी या रब की सजा क्यों उनकी रहमत की सजा ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी
फरमाया गुनहगारों घबराते क्यों, परेशान क्यों हो तो? मेरे मुस्तफा की शान तो यह है कि गुनहगारों के पास परहेजगार आएंगे और कहेंगे थोड़ी सी नेकियां ले लो, हमारी नेकियां ले लो, बुराइयां हमें दे दो, इसलिए कि हम अपनी वजह से नहीं मुस्तफा की शान से जन्नत में जाना चाहिए, मुस्तफा की शान से जन्नत में जाना। आला सरकार अभी फरमाते हैं, फरमाते हमें शान को क्या खलीलों ने जी तो कल देख लो उन्हीं से तवक्को नजर की। कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ, तुम गुनहगार की तरफ हो फिर कोई गम नहीं। गम फरमाया ये एक मकाम पे हमारे मौजूद है दिखा सकते हो, फरमाया अल्लाह सरकार ने एक मकाम पे सुनो सहनो शिकायत में डालो। अल्लाह सरकार एक मकाम पे फरमाते हैं जन्नत के दरों का बारगाह मुस्तफा में अर्ज करेगा, मौला आपने तो अल्लाह के कलम को बिल्कुल बाकी ना रखा, मतलब क्या है ऐ मौला आप तो उनको भी जहन्नम से निकाल रहे हैं जो आज होने के बाद जहन्नम में जा चुके थे, इतनी ताकतों पावर और कुव्वत अता की है क्यों ना निकाल लूंगा। फरमाते हैं हाल ये है कि जहन्नम में जा भी ना पाए और मुस्तफा निकाल लिया, आस्ती रहमत आलम उल्टी कमरे पाक पे दामन बांधे, निकाल वालों को चाहे तो ऐसे साफ अलग खींच लिया, गिर भी ना पाए पहले निकाल लिया। ये हम बोला मुंह के लिए देवबंदी होगी नहीं नाजायज पैदावार के लिए नहीं है, अपनी तरह कहते हैं उनके लिए नहीं है, जो नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए तो क्या है सुन लो, यहाँ भी बार खाओगे वहाँ भी बार खाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ भी बार वहाँ भी बार, क्योंकि उसकी गर्मी हम करें की छठी हम करें कुछ गाने दिन में और भी हम करें, और ये नबी तक पहुँचने का जरिया है, और जब नबी तक पहुँच गए तो रजा ने बता दिया वो है तेरे हम है उनके, वो है तेरे हम है उनके, तो हुए हम तेरे इससे बढ़कर तेरी संतान वसीला क्या। कुछ साथ नहीं जाएगा मुस्तफा का मोहब्बत और ईमान साथ लेकर गए तो बेड़ा पार। आला सरकार ने मकाम पे लिखा फरमाया सुनो अब्दुल्ला वही है जो मुस्तफा है, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा वही है, अब्दा सच्चा अच्छा वही है, सच्चा बंदा खुदा का वही है जो अमदे मुस्तफा है, फरमाया जो अमदे मुस्तफा नहीं है वो खुदा का बंदा तो दूर है शैतान का बंदा है। उसका कुछ आता था, उसका कुछ लेना था, उससे वापस लेना था, गया उसके पास, जाने के बाद कहने लगा सुनो तुम मेरा वापस दो, मैं उस जात की कसम खाता हूँ जो तमाम से बरगुजीदा है, तमाम लोगों में सबसे बरगुजीदा है, ज्यादा मोहम्मद अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहा तो जब इतना उस यहूदी से कहा तो यहूदी कहने लगा नहीं नहीं मरियामी सबसे
से बरगुजीदा नहीं है। जब इतना सुना तो उमर फारूक आजम को जलाल आ गया। उमर फारूक आजम ने उसकी तमाचा मारा। जब तमाचा मारा, तमाचा मारने के बाद वो यहूदी मुस्तफा की बारगाह में आ गया। तो जिम्मी का मामला का यहाँ तक बात जरा सुरोग के बता के चलिए। ये जिम्मी का मामला मेरे सरकार का काम है कि उसको उमर फारूक आजम को करवा दिया कि जो भी है देख लो उसको रियायत फरमा दी। हमारे तरह समझिए रियायत फरमा दी गई। लेकिन सुनो हम सरकार खुद मुखातब होते हैं, सरकार खुद उसकी तरफ मुखातब होकर करवाते हैं। सुन तू क्या कहता है कि मैं तूने ये बात नहीं सुन ले। हम तुझे बताते सरकार सुनाते हैं आला सरकार कतार रजबिया में लिखा कि मैं आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। यानी मूसा अलैहि सलाम वो है जो अल्लाह के कलीम है, अल्लाह से बात करने वाले हैं, अल्लाह से बात करने वाले हैं। तो आम बात है कि आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है और कोई रूहुल्लाह है वो आदम अलैहि सलाम है। जो आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माईल सलीउल्लाह है। लेकिन मैं कौन हूं जानता है? मैं वो हूं वो आदम है जो सफीउल्लाह है, वो नूह है जो खलीलुल्लाह, नूह नजीउल्लाह है, वो इब्राहिम है जो खलीलुल्लाह है, वो मूसा है जो कलीमुल्लाह है, वो ईसा है जो रूहुल्लाह है। मैं हबीबुल्लाह हूं, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। सब नबियों के बाद में भेजा गया, लेकिन फरमाते हैं मैं वो हूँ सबसे पहले से जन्नत का दरवाजा खोलेगा। मैं वो हूँ सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलेगा। अगले फरमाते हैं सुनो जन्नत का दरवाजा खोलूंगा तो मेरी उम्मत वहाँ मौजूद। वो आदम है जिनकी उम्मत वहाँ मौजूद, वो ईसा है जिनकी उम्मत वहाँ मौजूद। मैदान में जन्नत होगी कि नहीं होगी? वो ईसा है जिनकी उम्मत भी वहाँ मौजूद, ईसा भी वहाँ मौजूद, उनकी उम्मत भी वहाँ मौजूद, वो नूह है जिनकी उम्मत भी वहाँ मौजूद, नूह भी वहाँ मौजूद। लेकिन किसी की जैसा नहीं चाहिए कि जन्नत का दरवाजा खोले। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खोलूंगा। फरमाया हुआ और नबी थे, दरवाजा मैं पहले खोलूंगा। सब नबी देखेंगे, सब नबी वहीं खड़े होंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि जन्नत में चला जाए। फरमाया मैं दाखिल होऊंगा, फिर मेरी उम्मत दाखिल होगी, उससे पहले कोई नहीं जा सकता। जब तक मैं नहीं जाऊं मैं कोई जा नहीं सकता, मेरी उम्मत जब तक जाए कहीं जा नहीं सकती। लेकिन देखो इसी उम्मत से पैदा होने वाले वो हदिया दया बना नबी, ये क्या क्या कह रहे हैं नबी, तो कैसा कैसा लिख रहे हैं। हम कहते हैं सुनो जो हमारी नबी की शान में बोलेगा चाहे कितना बड़ा कहलाने वाला हो, हर महिला सुनने को समाज रजा वाले ऐसे मारी ऐसे पीर ऐसे आलिम को जूते की ठोकर में रखते हैं। जिनकी विलायत को सर्व कर लिया गया, छीन लिया गया, उन्हें लोग मरूद कहने लगे। क्या कहने लगे? मरूद कहने लगे। विलायत सर्व हो गई, चेहरा बदलता चला जा रहा, चेहरा बदलता चला जा रहा, चेहरा बदल। जब उनके गुलामों की पावत आओगे तो जान लो जाने लगे कि शारी के मालिक है। मैं चेहरा बदलता चला जा। 360 और यह इकराम के पास गए कि मेरी गलती को माफ करवा दीजिए, की बारगाह से माफ करवा दीजिए। लेकिन किसी के पास जाने का कोई फायदा ना हुआ। लोहे महफूज में मरदूद लिख दिया गया, अब ये मरदूद नहीं है। लेकिन आज तक है वो सरकार सुल्तानुल औलिया सरकार गौसे आलम जिलानी रजी अल्लाह तआला की बारगाह में पहुंचे। सरकार गौसे आलम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मकाम दिया है कि मैं मकबूलों को मरदूद बना देता हूँ, मैं मकबूलों मरदूदों को मकबूल बना देता हूँ। फरमाया रखी बात रखी में अरे बोला करीब इसकी जिनायत को वापस कर दो। और इसे मरदूद कहा जाता है, इसे
मकबूल बना लो। अरे अब्दुल कादिर सुनो, अगर इसको मकबूल बनाना होता इसके बाद देख रहे हो लगता मुझ पर तुमसे पहले 300 करेंगे इसके लिए दुआएगी, लेकिन ये मजबूर न था। अब अब्दुल कादिर का कादिर है, अरे मौला है कादिर, अगर तुम इसे मकबूल बनाना नहीं तो अब्दुल कादिर से दुआ क्यों करवाई? अब्दुल कादिर से दुआ क्यों करवाई? मैं
نجاست کا پلندہ ہے سرکار اور سیادت کی شان کیا ہے ملاحظہ کرو سرکار اور سیادت مزیادہ تعالیٰ کی شان ان سے پوچھی جائے گی اے جو ملانو سوال بتاؤ اور سیادت کی شان کیا ہے اے وحابی ملانو یہ بتاؤ اور سیادت کی شان کیا ہے محب کی شان محبوب سے پوچھی جاتی ہے اے اعلیٰ حضرت تم بتاؤ خوف اعظم کی شان کیا ہے اے اعلیٰ حضرت تم بتاؤ خوف اعظم کا مقام کیا ہے اے اعلیٰ حضرت تم بتاؤ خوف اعظم کا رتبہ کیا ہے جو فرمانے سناؤ خوف اعظم وہ ہے جو دنیا میں کام آ رہا ہے قبر میں کام آئیں گے آخرت میں کام آئیں گے میدان محشر میں سرکار کی آدھی امت کو بخشوائیں گے آدھی امت کو بخشوائیں گے فرمایا سرکار وہ ہے ہم جو کہتے وہی کہو تیری سرکار میں لفظ لفظ وہ کچھ بھی جو میرا خوف ہے میں نے بار گاہ خداوندی میں مراقبہ کیا اور کہا ہے مولا کہ بندہ
मेरे मदरसे में आता था, मेरे पास बैठता था। उस लड़के की बारे उस लड़के से कहा, सुन ए लड़के, सुन बारगाह खुदाबंदी में अब्दुल कादर की और किया लड़का ने बताया। वो लड़का आया, आया कहने लगा तो सरकार को सदा ने फरमाया, उससे पहले की बात बहन की किया, अब से मैं बताता हूँ आपको। ए लड़के ये बता, क्या तेरा बाप तेरी मजलिस में बैठा करता था? कहा हुजूर मैंने नहीं देखा। कहा तेरा बाप मेरे मजलिस में बैठा करता था? कहा हुजूर नहीं देखा। कहा तेरा वालिद मेरे मदरसे में आया करता था? कहा मैंने नहीं देखा। कहा हुजूर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब दूसरे दिन लड़का आया तो ये कहा बयान किया, और जब अच्छा बयान किया तो सरकार को सलाम फरमाते मैंने उसकी बार किया, मुलाकात किया और देखा वो मेरे मदरसे में नहीं आया, मेरी मजलिस में नहीं बैठा, लेकिन मेरे मदरसे के पास से गुजरा था। मेरे मदरसे के पास से गुजरा था। मैंने बार गए खुदाबंदी में की, मौला इसको माफ कर दे, इसके गुनाह माफ कर दे। बार गए खुदाबंदी से आवाज है, ऐ अब्दुल कादर के गुनाहगार है, ये इश्क़ साथ है, ये खतादार है, ये अपने गुनाहों के सब अज़ाब में गिरफ्तार है। अब्दुल कादर कमाले है, बार गए खुदाबंदी में, अरे मौला अगर से गुनाहगार है, अगर से इश्क़ साथ है, लेकिन अब्दुल कादर के मदरसे से गुजरा है, और जो मदरसे के पास से गुजर जाए उसे अज़ाब नहीं दिया जाएगा। आधी उम्मा तेरी दुआ के सिवा मांग सकता हूँ, आधी उम्मा अब्दुल कादिर के सिवा मांग सकता हूँ। सरकार को से आलम से अल्लाह तआला की बचपन को देखो, जवानी को देखो, जवानी को देखो, हर एतबार से नवाज से व्यवसाय अपने नाना घर से मिला है, जिसको जो भी मिला है से मिला है। जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाओगे, दीवाने बन जाओगे, तो दुनिया में भी मिलेगा और आखिर में हमारे नबी तक है, नबी तक ही नहीं सकते खुदा तक है, खुदा को खुदा को सालिम कहा, बार अल्लाह रब्बिल आलमीन हर गुनाह का मानने वाला कहा, हर उस गुनाह का वाला अल्लाह के लिए जो बंदा कर सकता है। अब बताओ ये दो मरने वाले लाख का मरने का दावा कर दिया है, लाख अपने आप को मुसलमान कर दिया है, लाख तबलीग और दीन का कार्य करने का दावा करते रहे, मुसलमान हो सकते नहीं हो सकते? मुसलमान तभी होंगे जब नबी के वफादार होंगे, नबी के सच्चे आशिक होंगे, नबी के गुलामों के साथ रहेंगे और नबी की शान में तौहीन करने से करने वालों में शिद्दत करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, सरकार की बारगाह में इन्होंने कहा, टाइम की किताब में देखो, मालूम है बिलाल बिन
किताब में लिखा बाद अल्लाह नबी को दीवार के पीछे कहीं नहीं छुपाया। आप बताओ जिस नबी की शान ये हो कि सुभानअल्लाह अल्लाह के कसूर के काम आए, जन्नत में लेकर जाए, आसियों मुजरिमों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत का दरवाजा दिलाए। वो बुरा कहने वाले भाई जो अंधी इन सुने बुझने दलालों के नजर में अच्छे हो गए। माहल्लाह बिलामी अच्छे कंचे को भी कर लो, इसलिए अच्छे लगने लगे क्या कर क्या बुरा कहेंगे तो तेरे बंद हो जाएंगे। अच्छे कंचे लगे क्या क्या बंदियों वालों को बुरा कहेंगे तो मोटी मोटी भी आ जाएगी। लेकिन सूत्र जो होता है कुछ मिलेगा ना मिले सरकार मिलता है। दुनिया झूठा झूठा जमाना रूठा रूठा सेकता रहे तू सोचता
है इज्जत तो अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, रसूल के सबके नबी के वफादारों से। दुनिया की नाम, दुनिया की इज्जत के लिए हम इसको बना ले, बना उसको बना ले। अच्छा एक चीज और, इसलिए कुलदीप दलालों के मुंह जब नहीं खुलते नबी की इज्जत पे हमला हो, अब्बा को कोई बुरा कह दे ना, तब टमाटर जैसा हो जाता चेहरा। अरे अब्बा को क्यों कह दिया, अबे तेरा बाप बाप है और जिसके सदके में पैदा हुआ उसको भूल गए। ऐसे ही को नवा खराब कर दिया, समझे? ऐसे ही को, हाँ फरमाया नबी न होते तो आज तू न होता, जैसे पन्ने के बावजूद मौजूद है मोहम्मद आजा नबी का, ऐसे ही आजा ही बाकी रहने में भी मुस्तफा का मोहताज है। इंजेक्शन लग गया, हम तो अच्छा कोता पहन लिए, बड़ी सारी पैसे लगा लिए, अब लोग हमें तो हाथ छुए, हाथ छुए हमारे, पैर छुए हमारे, ऐसा तो बन जा कबर तक छुएंगे, गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बन तो जा लोग आएगी तुझे मेरी कबर तक छुए। लेकिन अगर आदमियों को मोबाइल डालेगा और मुनाफे का वाला चाल चलेगा तो सुन्नी तो सुन्नी आएगा, सुन्नी तरीका बन जाएगा। याद रखना किसी के बाप से नहीं, नबी का गुस्ताख है, अगर दौरे बना रहे तो ये कि गबर की गबर आगे बढ़ता होगा। इसलिए आला सरकार फरमाते हैं कल तेरे नाम में जान फिदा, नफस जान की दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, कल क्या करो जहां नहीं, ये जहां सदका है बताने वाले का, ये सदका है बताने वाले का, बल्कि फरमाते हैं नबी के कदमों पे मिलने ही का नाम तो इज्जत है। जो आने का इनाम है, जो खत्म रसूल है, जो मौलाए कुल है, कुल के लिए से जो सुभान अल्लाह इमाम अलंबिया है, जो कहो तो शमसुल शाह है, राजा है, नूरुल हुदा है, ऊंचा बोलो जो जमीन तो शियम है, शाफी और सलाम है, सुन लो, अमल करो अल्लाह ताला के काम से, अल्लाह ताला के और उसके महबूब की अता से, अल्लाह के करम से ईमान बन जाए, यही तमन्ना है। आप गए गरीब सुनने गया, जो मेरे दिल में रहता मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ काम सके, इस बात को समझो, मेरे ही नबी नहीं है आपके घर, मेरे ही गौसे आजम से आपके भी गौसे आजम, मेरे ही गरीब नवाज नहीं है आपके भी गरीब नवाज है, मेरे ही सरकार सारे कंधे नहीं है आपके भी। तो जब मेरे और आपके दोनों के हैं तो उनके गुस्ताखों पर शिद्दत प्रसिद्ध है। आला सरकार मकान में लिखते और दिलाते और फरमाते और दिलाते और फरमाते और महबूब की मोहब्बत की अलामत ये होती है क्योंकि ये दुश्मनों से आला होता है, इसीलिए फरमाया दुश्मन मोहब्बत की शिद्दत की समझो। तो जरा आला सरकार बोली तो कि क्या करो, क्या करो, क्या मरम्मत करे भाई, क्या मरम्मत करे, क्यों मरम्मत करे, आला सरकार हजरत क्या मरम्मत कीजिए, क्यों मरम्मत करे, कौन हदन क्यों मरम्मत करे, नबी का मुस्ताक जहन्नमी कुत्ता है क्यों मरम्मत करे, मोहब्बत तो ईमान वालों के लिए है, प्यार तो ईमान वालों के लिए है, इसलिए कुछ दलालों के लिए नहीं है। सुनो सुनो शिपोर आशीर्वाद।
उसका हर्ष उसी के साथ दीन है, ऐसे नहीं मिलता और जिसे मिल गया सुभान अल्लाह उसकी दुनिया का आखिर स्वागत। क्यों डरे और किससे डर, सरकार के घर के गुलाम है जो हक है बयान करते जाओ, भूखते जाओ लोगों को बताते जाओ। सरकार सरमाते हैं कि सरकार की हदीस के पास है, आज महाबूब के पास बैठ गए, देवबंदियों के पास बैठ गए। अरे कोई देख छोड़ ही नहीं रहा है जो हमें बुरा कहे, अरे वो तो देख रहा है जिसने इस्लाम को बनाया है। एक बात और यहाँ पर सोचिए, ये डर है कमाल नखरों ना देख ले, ये डर है सैयद साहब ना देख ले, ये डर है अरे भाई ना देख ले, ये डर है अच्छी भाई ना देख ले, जवानी के साथ ये डर नहीं है कि खुदा देख रहे हैं। देखो इस दुनियादार की देखो, ये डर नहीं है कि खुदा देख रहा, और जिस दिन ये डर हो गया क्या खुदा देख रहा है, देख रहा है और खुदा देख रहा है, तो उस दफा के दुश्मन को खुदा माफ नहीं करेगा, तू भी राम जैसा दूर रहेगा। लेकिन स्टेज पे जाएंगे तो हाथियों को हरेंगे ताकि कौन को पता चले कि कितने हावी है, समझेगा सीखना है आओ सिखाएंगे, लेकिन मसला क्या है, नहीं सीखना सारी फतावा उसी पे लो।
आज हाल ये हो गया है। मैं तो
नाम दादा के दोषी परदेश लेकिन आशीर्वाद कभी बनाएगा तो रसा के लगा के कहेगा
शरीयत के मुताबिक और माफिक जिसको पाओ अच्छा भी हो उसको सीने से लगा लो शरीयत के मुताबिक पाओ तो दीवार से मारो यही आ यही आ यही आ अब सुनो दुनिया पर दुनियादार के मोहल्लों के ताल्लुक से दादा के लिए क्या लिखा कि फतह हो गई जगह स्वाद को क्या आप दिखा दीजिए कि फतावा नदिया का नदिया का इसका इसका 586 लेकिन इसलिए बस ये समझ जाओ अरे दिमाग से कोई बाउंसर ना हमसे ना क्या हाथ को अपने मतलब बहुत सारे ऐसे सारे ऐसे बेचारे समझ ही नहीं पाते मेरे पास क्या है क्या है ना तो इसलिए समझना जरूरी है समझ लीजिए मौलवियों की बात चल रही ना सुनो सरकार आला हजरत के मजहब ज्यादा की देखते हैं सुनो फरमाया मक्तूब सरकार जद्दद अल-फिसानी रजी अल्लाह तआला के मक्तूब शरीफ शरीफ अहमद के मक्तूब नंबर 33 पर 47 से फरमाते हैं कौन क्या फरमाते हैं दादा के लिखते यानी जो दुनियावी जो उलमा है दुनियावी इज्जत और सरदारी की मोहब्बत और भार और सरदारी की ख्वाहिश का मुब्तला है और सरदारी की मोहब्बत हमें लोग सरदार मान ले हमें लोग ये मान ले हमें लोग वो मान ले उनके बारे में हमारे हमारे बारे में चलिए उनके चले जो पेड़ के लिए बात करें एक दल्ली देख के इमारत की बस बस सब कुछ वही समझने वालों के सरबरंदी सरदारी की मोहब्बत और मान और सरबरंदी मान यानी पैसा जमेगा जमे सरबरंदी की ख्वाहिश में मुश्तिला है और इस कलेरी कल्याणी मोहब्बत में गिरता है वो उलमाए दीन नहीं बल्कि उलमाए दुनिया है कौन कह रहा दादा पीर की किताब में कौन है वो समझ आ रही है तो इतनी बात खत्म करके बैठे समझ आ रही है तवज्जो तो नहीं आ रही तो सुनो फरमाते हैं वो कौन है उलमाए दुनिया है बल्कि वो उलमाए दुनिया है वही बड़े मुल्ला ने है क्या कहा मुल्ला ने मौला साहब ने कहा सबसे बदतर और दीन के चोर दीन के चोर है जमाते लिखते हैं बदतर और दीन के चोर है हालांकि वो अपने आप को पेशवा और तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर समझते हैं क्या समझते अरे मुझसे बड़ा चोर मैं बड़ा काफिर मैं बड़ा अच्छा मुझे समझते तो समझते रहो लेकिन है क्या पूरे मुल्ला ने है क्या पूरे मुल्ला ने जो दुनिया की मोहब्बत की कहना अगले फरमाते सुनो फरमाते हैं दीन का पेशवा और तमाम मखलूक में सबसे बेहतर समझते हैं और समझते हैं उन्होंने कुछ किया वो क्या समझे आज सुनियत तो मेरी वजह से मैंने तो ये काम कर दिया फला जगह ये काम कर दिया लेकिन उन्हें क्या किया अल्लाह का करम हुआ तो करवा दिया क्या करूँ क्या मैं क्या कर गया अल्लाह का करम होगा तो करवा दिया अब उससे मैंने क्या किया अरे किसी के लिए नहीं किया जो भी किया मैंने क्या किया जुमने किसके है दादा पीर ने लिखा दादा के अंदर इबारत ने बल्कि फरमाया उनका शैतान गालिब आ गया तो वो क्या है शैतान के शैतान ही गिरोह हार
शैतान जी का करो हार में है। मेरे एक दोस्त कहते हैं मरते मुझे सानी फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त ने सरकार मजनी आला दिल्ली का फरमाते कहते होते हैं कि मेरे एक दोस्त ने शैतान मलून को देखा कि बेकार बैठा है और गुमराह करने और बैठाने की तरफ से बेफिक्र हो गया। मेरे उस दोस्त ने उसका राज पूछा, मालूम बोला कि इस वक्त के बुरे मुल्लाओं ने इस काम में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। सोचे शैतान कह रहा है मुझे क्या करना है। ये बात लिखी है मेरा काम तो वो बुढ़े मुल्ला ने कर रहे हैं। देखा है तवज्जो दे है मेरे प्यारो ईमान असल दौलत है। ईमान के साथ जाओगे तभी कामयाब हो वरना इस दुनिया में आने का कब्र ले जाने के बाद कोई नहीं बचाने वाला है। फरमाता है अल्लाह सरकार उनको रहमाए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। वो कड़ी मार है क्या होना है। रब राजी हो जाए रब का मुस्तफा राजी हो महबूब राजी हो जाए और अच्छे महबूब को राजी कर लिया तो रब भी राजी हो जाएगा। मलून बोला कि इस वक्त के बुरे मुल्लाओं ने इस काम में मेरी बहुत बड़ी मदद की है आज मुझको इस काम से सोने फारिग कर दिया है। अल्लाह अल्लाह फारिग कर दिया है। उन्हें माना